एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड नाइन लर्निंग। तो आज हम सीखेंगे साइंस इन एवरीडे वाले सेक्शन में हमारे पेपर की कहानी केमिस्ट्री की जुबान। तो सबसे पहले तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो ये पेपर है हमारी डेली लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, और ये बहुत ही एबंडेंट फॉर्म में हमें अपने आसपास दिखता है और हम इसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, राइटिंग एवरीवेयर यही पेपर यूज़ हो रहा है। इसके अलावा गिफ्ट रैप हो गया, टॉयलेट पेपर हो गया, या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ठीक है हमारी मनी किस फॉर्म में हमें मिल रही है, पेपर की फॉर्म में मिल रही है। सो पेपर इज़ बेसिकली वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अब ये जो हमारा पेपर है इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, ये तो हम सब जानते हैं कि ये हमें मिला है ट्री से, लेकिन कैसे क्या होता है एक्चुअली इस पेपर में एंड कैसे ट्री के थ्रू ये हमें मिलता है। लेकिन उससे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें जाननी चाहिए पेपर के बारे में वो ये है कि सबसे पहले इसका इन्वेंशन हुआ कहाँ। तो इसका इन्वेंशन हुआ था चाइना में। अब हुआ क्या था कि एक चाइनीज़ पर्सन था, उसे एक बी ने, मधुमक्खी ने काट लिया था। तो वो गुस्से में जब मधुमक्खी को मारने की तरफ देखा उसने कि कहाँ से निकली है वो, उसने देखा कि उसका जो मधुमक्खी का घर जिसे हम कहते हैं, तो उसने कुछ चीज़ें वहाँ पे नोटिस की। जैसे कि उसने वहाँ नोटिस किया फाइबर, उसने नोटिस किया स्लाइवा, उसने नोटिस किया मीटिंग। तो उससे उसने क्या आइडिया लगाया कि ये जो हमारी जितने भी ट्रीज हैं उसमें क्या है कि फाइबर है। तो उसके माइंड में एक आइडिया आया, उसने क्या किया, उसने बहुत सारे बैम्बू को कट किया, उसने क्या किया उसकी बाहर वाली लेयर को अलग किया, उसके अंदर का जितना भी फाइबर था उसको लिया और उसने उसको वाटर में बॉईल करना स्टार्ट किया। फिर एक टाइम के बाद क्या हुआ, जब सारा फाइबर अच्छे से डिजॉल्व हो गया तो उसने क्या किया, एक वूवन क्लॉथ पे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप ये समझ लें कि कोई भी ऊनी कपड़े के ऊपर उसने उसको ईजिली क्या कर दिया, निकाल दिया जो भी उसका वो मिक्सचर बना था, किस चीज़ का फाइबर का मिक्सचर। फिर सनलाइट के अंदर जब उसको ड्राई किया गया तो उसके बाद बना था हमारा सबसे पहला पेपर। तो फिर इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है चाइना को। अब पुराने ज़माने में क्या था कि राइटिंग जो थी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, लोग अपनी नॉलेज को या तो अपने माइंड में ही स्टोर करके रखते थे या फिर उसको बोन्स पे लिखा जाता था, एनिमल स्किन पे इंफॉर्मेशन को लिखा जाता था, या हमें पता है बहुत सारे स्टोन पत्थरों पर भी हमें बहुत कुछ लिखा हुआ मिला है अब तक हमारी हिस्ट्री में अगर देखा जाए। तो फिर आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ दिस पेपर चाइना ने इस बात को काफ़ी टाइम तक हाइड रखा, बट जैसे जैसे आगे से आगे टाइम चलता गया और जब ये इंफॉर्मेशन हर जगह चली गई तो उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया एंड आगे ट्रांसपोर्ट करने इसको स्टार्ट किया। अब हम आते हैं अपनी केमिस्ट्री के ऊपर कि हमारे पेपर का, हमारी केमिस्ट्री यानी कि हमारी साइंस एवरीडे में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा ये हमें ट्री से मिल रहा है, ट्री क्या है आपका, फाइबर। तो उसमें क्या है आपका, एक पॉलीमर है लिग्निन, वो पॉलीमर क्या है आपका, सेलुलोज, ठीक है। अब हम समझेंगे कि पॉलीमर क्या है, अब आगे केमिस्ट्री कि व्हाट इज योर सेलुलोज एंड व्हाट इज योर पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या होता है, बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत सारी छोटी छोटी मॉलिक्यूल ने जब मिलकर बनाया मोनोमर, ठीक है। मोनोमर क्या होती है, एक छोटी यूनिट होती है जो आपस में कंबाइन करके एक बड़ी यूनिट को बनाती है। अगर हम इसको और अच्छे से आपको समझाना चाहें तो जैसे आपको पता है एक दीवार जो है वो बनी होती है बहुत सारी, किससे बनी होती है, ब्रिक से बनी होती है, ईंट से बनी होती है। तो वो जो एक ईंट हुई उसको हम कहेंगे मोनोमर, और जब वो बहुत सारी ईंट ने मिलकर आपकी एक दीवार को तैयार कर दिया तो वो बन गया आपका पॉलीमर, ठीक है। तो उसी तरीके से सेलुलोज है आपका पॉलीमर, और कैसा पॉलीमर है आपका इस पेपर में, आपका है वो क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। जब हम इस पेपर को ऐसे क्या करते हैं, यहाँ से फाड़ते हैं तो हम इसमें हल्के हल्के थ्रेड दिखाई देते हैं, मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, आप भी कभी देखोगे बहुत ध्यान से ये अंडर माइक्रोस्कोप, तो एक क्रॉस लिंक ऐसे करके क्रॉस होता है ना, ऐसे करके क्रॉस लिंक फाइबर यानी कि आपका सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अब आपको पॉलीमर भी बता दिया, सेलुलोज भी बता दिया, यानी कि सेलुलोज क्या हुआ आपका, पॉलीमर है। तो आपका पेपर किससे बना हुआ, सेलुलोज से, जो कि एक पॉलीमर है। अब ये पॉलीमर है तो इसका मोनोमर भी होगा, तो आपके सेलुलोज का मोनोमर होता है ग्लूकोज, ओके ठीक है। आपको पेपर मिल गया,
आपको ये भी पता लग गया कि वो किस चीज से बना हुआ है। अब बात आती है इसके रिसाइकलिंग की, ठीक है। तो अब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारा पेपर यूज कर रहे हैं और उस पेपर को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कार्ड भी करते हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि हमें पेपर मिलता कहाँ से है, हमें पेपर मिलता है ट्री से। अगर हम कंटिन्यूसली ट्री को कट करते रहेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी और हमें पता है कि ट्री हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसके लिए अब काम में आता है आपकी अगेन केमिस्ट्री, और वो क्या है, वो जैसे कि मैंने बोला कौन सा पॉलीमर है आपका, सेलुलोज। अब काम में आएगा आपका सेलुलेस। तो सेलुलेस क्या है, सेलुलेस इज द एंजाइम। अब आपका ये एंजाइम क्या करता है, जितना भी आपका वेस्ट पेपर है अगर हम उसको रिकॉलेक्ट करें, तो आपका अगर एक टन पेपर है उसको रिसाइकल जब भी हम करते हैं तो उससे बचते हैं आपके 20 ट्री, ठीक है। अब आपका वो जो सेलुलेज एंजाइम है वो क्या करता है, आपके सेलुलोज को अगेन ब्रेक डाउन करता है मोनोमर यूनिट में, यानी कि ग्लूकोज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। एंड फर्दर उस ग्लूकोज से आगे हम किसके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हमारे पेपर को अगेन। तो इस तरीके से ये थी हमारी पेपर की कहानी, जो कि हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बना है आपकी सेलुलोज से, और हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को लगाएंगे और वेस्ट पेपर को दोबारा रिसाइकल करने के लिए भेजेंगे, ताकि हमारे और भी ज़्यादा ट्री सेव हो चुके। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और धीरे धीरे आपको हमारे इस साइंस इन एवरी डे में और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ साइंस से रिलेटेड मिलेंगी।